मिस्टर आप्टे, तुम एक हो जो अजय को इतने करीब से जानते हो, क्या उसके बारे में तुम मुझे कुछ बता सकते हो? जी हाँ, अजय एक अच्छा लड़का है, अपने से बड़ों की इज्जत करता है, यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ता है, अकेला रहता है और गांव में अकेली उसकी माँ रहती है। इसके अलावा वो सोते उठते जागते खाते पीते सिर्फ क्रिकेट 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 ही सोचता है, और इस साल वो इतनी टॉप फॉर्म में है कि कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। क्या ऐसा कोई आदमी है जिसको ये बात खटकती है? कमांडर, सफलता ईर्ष्या को ही जन्म देती है। पिछले चंद दिनों में उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव नजर आया तुम्हें? जी हाँ, नेट प्रैक्टिस के दौरान उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होती थी। क्यों? कमांडर, जो लड़का पिछले एक साल में हर बॉलर के लिए हवा बन गया हो, अगर वो एक ओवर में 3 या 4 बार आउट हो तो वो बात बेवजह नहीं होती। आपने कारण नहीं पूछा? जी हाँ, कारण तो पूछा था, और उसका कहना था कि अन्ना, उसके इलाके का गुंडा, उससे धमका रहा है। क्यों, ऐसा किया अजय ने? अजय ने तो शायद ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन अन्ना ये समझता था कि उसकी बहन निर्मला का अजय के साथ कोई चक्कर है। क्या वाकई में अजय का उसके साथ अफेयर था? देखिए, जहाँ तक मैं अजय को जानता हूँ, ऐसी कोई बात हो तो नहीं सकती। अजय को सिर्फ एक ही लगन, एक ही मकसद, एक ही उसका लक्ष्य था कि वो हिंदुस्तान का अव्वल दर्जे का क्रिकेट का खिलाड़ी बने। लेकिन कमांडर साहब, ये उम्र ही ऐसी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इज़ अ वेरी डिटर्मिंड बॉय, जाने किस हाल में होगा वो इस वक्त। मैंने पूछा तुम में से अन्ना कौन? तुमसे मतलब? अभी तेरे को मतलब समझाता हूं मैं। ओए, बाकी सब लोग पत्नी का रिकॉर्ड चल मत तो नहीं चल। अजय किधर है? आप किसी आधे बजे को नहीं जानता साहब। वो तो सब बोलता है, और अजय, वो अजय क्या पे है? वो तो मेरे को भी मालूम है, वो क्या हम गया था, लेकिन क्या हम तक पहुंचा नहीं। आखिरी बार तूने कब देखा था? बोल सर। बोलता है 2-3 दिन पहले देखा था। जिस दिन क्या हम गया उस दिन तुम कहाँ थे? अपन इधर किधर होगा सब, अपन का शेरी, अपन किधर भी घूम सकते रहे। हाँ, बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं तू? हाँ, सब सच बोल रहे हैं। किसको मार खाने का शौक है, सच बोल रहे हैं। चल टोने, चल। ए साहब, अरे अरे, मार मार के इतना धुलाई किया, कम से कम अपना नाम तो बता के जाओ कि अपन का भी कोई बाप है। कमांडर, क्या हुआ अजय को? उम्मीद तो यही है उसे कुछ नहीं हुआ होगा। एक बात बताओ, अजय के कैंप जाने से पहले क्या तुम मुझसे मिली थी? नहीं, मगर उसे विश जरूर किया था, फूल फेंक कर। ये क्या तरीका है? और कोई रास्ता नहीं था कमांडर साहब, क्योंकि अन्ना को मेरा अजय से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। ओ, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? हाँ, मैं जरूर उससे प्यार करती हूँ, लेकिन अजय ने कभी जाहिर नहीं किया। क्या उस दिन उसे पिकअप करने के लिए कोई गाड़ी आई थी? नहीं, यहाँ से तो वो पैदल ही गया था। हाँ, उसने हमेशा की तरह पान वाले की दुकान से चिकलेट्स जरूर खरीदे होंगे, और वहाँ से उसने कोई व्हीकल किया हो तो वो तो पान वाला ही बेहतर बता सकता है। ठीक है कमांडर साहब, अजय अगर मिलेगा तो आप मुझे। I'll definitely inform you. Bye.
नमस्ते कमांडर साहब, हम तो दुकान में रहा नहीं, हम सुना कि आप हमरे दुकान पे आई रहे, यही से भागे भागे हम चली आओ। एक बात बताओ, उस दिन काम जाने से पहले क्या अजय तुम्हारा दुकान पे आके गया था? हाँ हाँ आई रहे ना, रोज के तरह आए और सिगरेट लेके चल गए। जाते वक्त कैसे गया, चल के गया? थोड़ी दूर गए तो वो भैन मारुति कार मिली, वही में बैठ के चल गए। मारुति वैन, क्या तुम्हें उस वैन का नंबर याद है? नंबर तो ना ही मालूम बा, रंग मालूम बा। कौन सा रंग था? चॉकलेट कलर के रही। हाँ कमांडर, लगता है कि अजय का पता चल गया है। जी नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा। जी, क्या आपने मुझे सब कुछ बता दिया था? जी हाँ, मैं आपसे कोई बात क्यों छुपाने लगा? देखिए, कुछ भूल तो नहीं गए? जी बिल्कुल नहीं। हाँ इतना जरूर है कि बोर्ड की मीटिंग में तमाम मेंबर नाराज तो जरूर थे, लेकिन इसके अलावा तो और कोई बात नहीं। देखिए प्लीज याद कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जरा सा सुराग हमें अजय तक पहुंचा सकता है। Absolutely right, Commander. पल्लवी, तुम सारे टीम मेंबर्स को जानती हो और तुम उनकी हम उम्र भी हो, क्या तुम इस केस पर कुछ रोशनी डाल सकती हो? कमांडर साहब, अजय जैसे राइजिंग स्टार का कोई भी दुश्मन हो सकता है, यू नो, जैसे बोर्ड मेंबर्स, टीम मेंबर्स और पल्लवी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? हाँ मिस्टर उनका, प्लीज प्लीज इसे बोलने दीजिए। हाँ तो बताओ पल्लवी, तुम्हारा शक किस पर है? इन पर्टिकुलर तो मिस्टर विनोद, जो आजकल फॉर्म में भी नहीं है, और एक्स टीम कैप्टन मिस्टर प्रदीप, ही इज नॉट इन द टीम ऑल्सो। वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल विद देम। और बाकी ढूंढना आपका काम है कमांडर, यू गॉट टू फाइंड आउट। ओके, थैंक यू। प्रदीप है? जी हाँ कमांडर। जी हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे? देखिए कमांडर, मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं प्लीज जल्दी पूछिए। आप यूनिवर्सिटी के टीम में 2 साल के बाद वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा कमांडर। जैसे अजय को गायब भी करवा सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? माना कि अजय कैंप में पहुंचा नहीं, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया? एनीवे, ये गाड़ी तुम्हारी है। जी हाँ, क्यों? इसलिए कि अजय को जिस गाड़ी से किडनैप किया गया था उस गाड़ी का रंग भी यही है। कमाल करते हैं कमांडर साहब, इस रंग की तो हजारों गाड़ियां होंगी इस शहर में, किस किस पर शक करते रहेंगे आप? और अगर आपके पास भी इस रंग की गाड़ी होती तो क्या आप अपने आप पर शक कर लेते? आज भी होशियार हो, लेकिन मुझे समझाने की कोशिश नहीं करना। देखो, अगर इस गुनाह में तुम्हारा जरा भी आता है तो मुझे अब भी बता देना, वरना बाद में मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूँगा, समझे? मैं सच कह रहा हूँ कमांडर साहब, और अगर आप ये सवाल करना ही चाहते हैं तो विनोद से क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं जानता हूँ नेट्स में मिस्टर मणि विनोद से मिलने आए थे, और उन दोनों में अजय को लेकर कुछ बातचीत हुई थी, और क्या बात हुई थी ये आप विनोद से ही जान पाएंगे। मुझमें और अजय में दुश्मनी बिल्कुल नहीं। मगर मैंने सुना है पिछले दिनों तुम्हारे अजय के बीच कुछ टेंशन था। हाँ टेंशन तो था, लेकिन उसमें अजय के किडनैप का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, अजय के किडनैप से ही ताल्लुक है। प्रदीप के कहने के मुताबिक कमिटी मेंबर मिस्टर मणि तुमसे मिलने नेट्स में आए थे। हाँ आए तो थे, लेकिन उसमें मेरी क्या गलती? नहीं, गलती मिलने में नहीं, गलती किडनैप करने में है। अजय तुम्हारा दोस्त है, अच्छा सिला दिया तुमने दोस्ती का, तुम्हें तो जेल होगी ही, मगर बेचारा अजय जिंदा है या नहीं पता नहीं। नहीं कमांडर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, और उसके मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुम नहीं, नहीं कमांडर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं मिस्टर मणि से क्या क्या कह गया, और मेरी बात सच मानकर मिस्टर मणि ने अजय को न जाने कहां गायब करवा दिया। प्लीज प्लीज कमांडर, आप मुझे बचा लीजिए ना, प्लीज बचा लीजिए ना। अच्छा, तो मिस्टर मणि इस सिलसिले में तो नहीं है। कौन है जी?
अरे कमांडर साहब, आप व्हाट कैन आई डू फॉर यू जी? अब ये फॉर्मेलिटीज की बात छोड़ो मिस्टर मणि अय्यर, बताओ अजय को किडनैप करके तुमने कहां रखा है? कमांडर, आपका होश तो ठिकाने है ना? अभी आपका होश भी ठिकाना लगाता हूं मैं अगर आपने सच नहीं उगला तो। देखो कमांडर, आपको मालूम नहीं हमारा पहुंच किधर तक है। तो कमांडर साहब, ये क्या करता है जी? पहुंच की बात करते हो? अब इस वक्त मेरी पहुंच तुम्हारी गर्दन तक है। अरे, लेकिन मेरी गर्दन तो छोड़िए जी, पहले बताओ फिर छोड़ूंगा। अरे बताता है जी, चले पहले। मैंने अन्ना को बोला था जी। बोल, तुम मुझसे झूठ के बोला? अजय को किडनैप करने के लिए मणि अय्यर ने तुझे पैसा दिया था कि नहीं? मणि? कौन मणि? भाई किसी मणि मणि को नहीं जानता। नहीं जानता? अब जान जाएगा तू। तो नहीं, पहचाने ने? अब बोल, अजय को किडनैप करने के लिए इन्हें तुझे पैसा दिया था या नहीं? वो क्या बात है कि मैंने इनको जबान दिया था कि अपन किसी को बोलेगा नहीं, भी इन्होंने खुद बोल दिया है तो। बोल अजय, क्या बोल? मुझे मालूम नहीं कमांडर साहब। अब भी झूठ बोल रहा है मुझसे? नहीं सच बोल। सच मुझ बता दे वरना। बोलता हूँ सब, बोलता हूँ। उस दिन मणि अय्यर साहब मुझे मिलने आए थे। अन्ना, यह वो लड़का अजय। मालूम है, क्रिकेट खेलता है साला। हाँ, आप उनके जिला के में रहते हैं, क्या करने गए? कार्ड डालने का? नहीं 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 नहीं, सिर्फ किडनैप करने का। 10 दिन के लिए हो जाएगा। 30,000 रुपया लगेगा। 20,000? वो भी एडवांस। ठीक है, ये लो, ये पूरा 30,000। लेकिन उसको तुम्हारे पास ही रखने का, अगर पकड़ा गया तो आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। रतो, हे रतो, अरे कौन से छोकरे को उठाने का? फोटो ला उसका। ये भी अजय का फोटो है? लगते है साले का डिमांड बहुत बढ़ गया है। ये भी बोलते हैं अजय को उठाओ, वो भी बोलते हैं अजय को उठाओ। कुछ चक्कर लगता है मेरे को। साला आप उनके क्या करने गए? लगता है अपनी तकदीर बदल गई। एक काम का दोनों बाजू से पैसा मिल रहा है। अरे साला, मैं इसको काटने वाला था। 10 दिन इसको गायब करेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा, मेरे बहन का भी चक्कर छोड़ देगा। चल चल, इसको कल उठाने का है। लाओ हमारा माल। ये लो सर। अब बता, वो दूसरा आदमी कौन था? बता। सच बोलते सब, अपन को सिर्फ इतना मालूम है, अपन को सिर्फ पैसे से मतलब था। अपन को पैसा मिल गया, अपन ने अजय को उनके हवाले कर दिया। बाकी वो आदमी कौन था कैसा था अपन को नहीं मालूम। सब सच बोलते अपन। कुछ अगर पता नहीं तो फिर अजय का पता कैसे चलेगा? बोल, कुछ तो याद होगा तुम्हें? कुछ तो याद होगा, वो आदमी कैसा था? वो जीप का नंबर क्या था? जीप का कलर क्या था? बोल। जीप का नंबर तो मुझे याद नहीं कमांडर साहब, लेकिन हाँ, जीप काले रंग की थी और उस पे पॉइजन लिखा था। पॉइजन? टोनी, ये गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। मैंने रुमटा साहब को फोन कर दिया है, वो सारे बोर्ड मेंबर्स के लिस्ट हमें भेज रहे हैं। अपनी चाल चलिए सर।
अच्छी चर्च चली तुम्हें। इंस्पेक्टर दास का फोन आया था जी, वो जितने ब्लैक जिप के ऑनर्स है उसके लिस्ट हमें भेजेंगे। चाल चलिए ना सर। क्या चाल चलो, दोनों जब तक तुम्हारा घोड़ा नहीं हटता मैं तुम्हें चेक नहीं दे सकता। अजय का पता चल जाएगा, चल मेरे साथ। अरे कमांडर साहब, आप अजय कहां है? अजय, ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। देखो, अगर अजय को कुछ हो गया तो मुझ जैसा बुरा आदमी कोई नहीं होगा। हमें पूरा पता है अजय का तुमने किडनैप किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अन्ना, जब मेरे कब्जे में है, उसके कहने के मुताबिक तुमने उसको 40,000 रुपए दिए थे और तुम अजय को 10th क्रॉस रोड पर से अपने काली जीप में उठाकर ले गए थे। अब ये बताए ना, काली जीप बहुत होती है, क्योंकि अन्ना ने तुम्हारे जीप पर पॉइजन बोर्ड देखा था। अब सच सच बताओ, अजय कहाँ है? बिना वक्त जाया के बताओ, अजय कहाँ है? बताओ! बताना हूँ कमांडर साहब, बताता हूँ। अजय, मुझे फोन चाहिए। अजय, उसे बॉल डालो। मैंने कहा उसे बॉल डालो। क्या नाटक कर रही हो? डैड,
मैं तो कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं तो नाटक कर ही नहीं रही हूँ। यू नो डैड, मैं तो अजय को एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बना रही हूँ। यू नो डैड, देयर इज एन ओल्ड सेइंग, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और मैं वो बनना चाहती हूँ। आई लव हिम डैड, मैं उससे बेइंतहा आप प्यार करती हूँ। आई लव हिम डैड, आई एम राइट ना डैडी, मैं ठीक कर रही हूँ ना। स्टॉप दिस नॉनसेंस पल्लवी, ये क्या पागल बना है? कमांडर, यस, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं अजय के प्यार में पागल हूँ। मैं पागल थी, मैंने बार बार अजय से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन ये संदल, इसने मुझे ठुकरा दिया। ये क्या कहता था, क्या कहता था? ये कहता था कि मुझे सिर्फ अपने गेम से प्यार है, इसे मुझे ठुकरा दिया। पल्लवी रूंगटा को ठुकरा दिया, पल्लवी रूंगटा को ठुकरा दिया। याद है कमांडर, याद है मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए जुनून, जुनून का होना जरूरी है। मुझे अजय को पाने का जुनून सवार हो गया, जुनून सवार हो गया कमांडर। आई वांटेड हिम, मैं इसे बेहद प्यार करती थी, और इसे पाने का मुझे मौके की तलाश थी। I wanted him, कमांडर, I wanted him। और मुझे मौका मिला। कर्नल, I am sorry। Already मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए कर्जा दे चुका हूँ। सर प्लीज़, मेरा प्रॉब्लम समझिए, वरना मैं तबाह हो जाऊँगा सर। खन्ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इतना बड़ा कर्जा जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे तब भी अदा नहीं कर पाओगे। ये 1,50,000 रुपये मैं तो आप नहीं दे सकता, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं है। सर प्लीज़, आई एम सॉरी, यू कैन गो, आई एम सॉरी। एक मिनट खन्ना साहब, खन्ना साहब, मैं आपको तबाह होने नहीं दूंगी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है, और मैं आपको 1 नहीं 1.5 लाख रुपए दूंगी। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? मुझे अजय चाहिए। वजह पूछना आपका काम नहीं है, आप सिर्फ बताइए कि आप मेरा काम कर सकेंगे या नहीं। काम हो जाएगा। कमांडर साहब, मेरी जुए की आदत की वजह से मेरा रोम रोम कर्ज में डूब गया था, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मुझे पल्लवी की बात माननी पड़ी। इत्तेफाक से अजय का किडनैप करने की सुपारी मैंने और मिस्टर मनी ने एक ही इंसान को दी थी। मिस्टर रूंगटा, इकलौती औलाद को इतना प्यार भी नहीं करना चाहिए जिससे वो किसी की जिंदगी से खेल सके। किसी ने सही कहा है, औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, मगर देखो उसे शेर की निगाह से। निर्मला, तुम अजय को घर ले जा सकती हो।
बात याद रखो पल्लवी, प्यार छीनने की नहीं पाने की चीज होती है।